नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक तथा समकालीन कलाकार पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलपति गणपति सुब्रमण्यम, इनका जीवन काल है 1924 से 2016 ईस्वी के मध्य। 1924 में इनका जन्म हुआ था, 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। केजी सुब्रमण्यम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के कुतुब परम्बा में इनका जन्म हुआ था। ये जो भित्ति चित्र आप देख रहे हैं, ये केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। इसका शीर्षक है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। रवींद्रालय लखनऊ में ये संग्रहित है। केजी सुब्रमण्यम थे चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर व लेखक। कौन सा चित्रकार गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे? तो ये थे केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। वर्ष 1943 ईस्वी में किस कलाकार को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने जेल की सजा मिली थी? तो ये थे केजी सुब्रमण्यम। इन्हें वर्ष 1943 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 6 महीने की जेल की सज़ा मिली थी। वर्ष 1944 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम ने कला शिक्षा कहाँ व किसके सानिध्य में ग्रहण की थी? तो शांति निकेतन के कला भवन से नंदलाल बोस व विनोद बिहारी मुखर्जी व राम किंकर बैज के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। 1947 ईस्वी में जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के हिंदी भवन में अपना प्रसिद्ध म्यूरल बना रहे थे, तो किसने उनका सहयोग कर कुछ आकृतियों को निर्मित किया था? तो ये थे केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम ने 1947 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ शांति निकेतन के हिंदी भवन में उनका एक प्रसिद्ध म्यूरल था, उसमें उनका सहयोग किया था। वर्ष 1951 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम किस कला विश्वविद्यालय में विख्याता या लेक्चरर बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे बड़ौदा के MS यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में 1951 ईस्वी में। वर्ष 1980 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यम कहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए, जिसे उन्होंने 1989 ईस्वी तक सेवानिवृत्त होने तक जारी रखा था? तो शांति निकेतन के कला भवन में 1980 ईस्वी में इन्हें प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1974 से 1976 ईस्वी के मध्य केजी सुब्रमण्यम अध्यक्ष रहे थे क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे थे 1974 से 1976 के बीच। केजी सुब्रमण्यम ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर किसका प्रयोग अधिक किया था? तो ये इन्होंने किया था एक्रिलिक सीट व प्लास्टिक सीट का। एक्रिलिक सीट व प्लास्टिक सीट का केजी सुब्रमण्यम ने चित्रों के धरातल के रूप में अधिक प्रयोग किया था। हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ के वर्ष 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में उनके सहयोगी थे। ये थे केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम जो थे वो 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ के सहयोगी रहे थे। वर्ष 1962 से 63 ईस्वी के मध्य लखनऊ स्थित रवींद्रालय के बाहरी हिस्से पर अपना बड़ा व विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर 81 फीट लंबा व 5 फीट ऊंचा तथा 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से निर्मित किया था केजी सुब्रमण्यम ने। केजी सुब्रमण्यम ने 1962 से 1963 ईस्वी के मध्य लखनऊ स्थित रवींद्रालय की बाहरी हिस्से पर अपना बड़ा विख्यात म्यूरल, जिसका शीर्षक था किंग ऑफ डार्क चैम्बर, इसका साइज था 81 फीट लंबा व 5 फीट ऊंचा, ये 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से निर्मित हुआ था, इसको निर्मित किया था। केजी सुब्रमण्यम पर प्रभाव था मातिस का। केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं टेराकोटा रिलीफ के लिए। टेराकोटा रिलीफ के लिए केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। खाकी चित्र श्रृंखला किसका है?
केजी सुब्रमण्यम का है। इसका शीर्षक है खाकी चित्र श्रृंखला। पोसेरा पल्ली तीन परियों की कहानी को एक्रिलिक शीट व रिवर्स पेंटिंग की तकनीक की मदद से किसने चित्रित किया था? तो ये किया था केजी सुब्रमण्यम ने। पोसेरा पल्ली तीन परियों की कहानी, जिसको एक्रिलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग तकनीक की मदद से इन्होंने चित्रित किया था। किस कलाकार ने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए थे? तो ये बनाए थे केजी सुब्रमण्यम ने। बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र इन्होंने बनाए थे। केजी सुब्रमण्यम को पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से इन्हें 1975 ईस्वी में व पद्म भूषण से 2006 ईस्वी में तथा पद्म विभूषण से इन्हें 2012 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मूविंग फोकस, भारतीय कला पर निबंध, ये इन्होंने लिखी थी 1978 ईस्वी में। द लिविंग ट्रेडिशन, ये इन्होंने लिखी थी 1987 ईस्वी में। द क्रिएटिव सर्क्यूट, ये इन्होंने लिखी थी 1992 ईस्वी में। द मैजिक ऑफ मेकिंग एस्से ऑन आर्ट एंड कल्चर, ये इन्होंने लिखी थी 2007 ईस्वी में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मूविंग फोकस भारतीय कला पर निबंध, द लिविंग ट्रेडिशन, द क्रिएटिव सर्क्यूट, द मैजिक ऑफ मेकिंग एस्से ऑन आर्ट एंड कल्चर, ये सभी केजी सुब्रमण्यम की पुस्तकें हैं। केजी सुब्रमण्यम की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 29 जून 2016 में बड़ौदा में इनकी मृत्यु हुई। अगले कलाकार हैं अनीस कपूर। 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अनीस कपूर हैं भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार। अनीस कपूर की प्रसिद्ध कृति क्लाउड गेट कहाँ सुरक्षित है? तो ये शिकागो के मिलेनियम पार्क में सुरक्षित है। अनीस कपूर की जो प्रसिद्ध कृति है क्लाउड गेट, वो शिकागो के मिलेनियम पार्क में सुरक्षित है। 2012 में भारत सरकार द्वारा अनीस कपूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से 2012 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। ये जो इंस्टॉलेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई है। इसका शीर्षक है आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट इसका शीर्षक है। लंदन ओलंपिक पार्क में ये सुरक्षित है। 2012 में इन्होंने ये बनाई थी। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्टैटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेसक्ष टावर किसने डिज़ाइन किया? तो ये किया था अनीस कपूर और सोसिल बालमोड ने। वर्ष 2006 में अनीस कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम क्या है? तो स्टेनलेस स्टील के माध्यम से इन्होंने क्लाउड गेट नामक मूर्ति बनाई थी, जो इन्होंने बनाई थी 2006 में। 115 मीटर लंबा ऑर्बिट मूर्ति, जो ब्रिटेन के सबसे बड़ी मूर्ति है, किसने बनाया था? ये बनाया था अनीस कपूर ने। अनीस कपूर ने 115 मीटर लंबा ऑर्बिट मूर्ति, जो कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है, बनाई थी। ऑर्बिट मूर्ति का निर्माण अनीस कपूर ने किया था 2012 ओलंपिक खेलों के लिए। 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए ऑर्बिट मूर्ति का निर्माण अनीस कपूर ने किया था। अगले आपके कलाकार आते हैं गुलाम मोहम्मद शेख। इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी को। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 16 फरवरी 1937 ईस्वी को सुरेंद्र नगर गुजरात में गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र है, जिसका शीर्षक है शहर बिकाऊ है। गुलाम मोहम्मद शेख किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक के रूप में गुलाम मोहम्मद शेख प्रसिद्ध हैं। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला का अध्ययन किया प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ोदरा से, तत्पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में। पहले इन्होंने ललित कला संकाय बड़ोदरा से, इसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में अपना कला अध्ययन किया था। गुलाम शेख ने 1960 ईस्वी में अपने कैरियर की शुरुआत किस रूप में की? ललित कला संकाय MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा में कला शिक्षक के रूप में गुलाम शेख ने
1960 ईस्वी में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1960 ईस्वी में गुलाम शेख के चित्र की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में 1960 ईस्वी में गुलाम शेख के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। 1987 ईस्वी में एवं 2002 ईस्वी में मोहम्मद शेख किस कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट रहे थे? तो ये रहे थे शिकागो कला संस्थान में। शिकागो कला संस्थान में 1987 ईस्वी में व 2002 ईस्वी में मोहम्मद शेख कला संस्थान के विजिटिंग आर्टिस्ट रहे थे। वह कलाकार जो शिक्षक, लेखक व कवि भी था, तो ये थे गुलाम मोहम्मद शेख। हाल ही में कौन से कलाकार मैप्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं? तो ये हैं गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख हाल ही में मैप्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पर कार्य कर रहे हैं। किस कलाकार की साहित्यिक परंपरा सूफीवाद, उनकी गहरी समझ उन्हें अपनी रचनाओं में दृश्यात्मक या चित्रात्मक दोहों की सृष्टि में समझ बनाती हैं? तो ये हैं गुलाम मोहम्मद शेख, जिनकी साहित्यिक परंपरा उन्हें गहरी समझ बनाती हैं उनके दृश्यात्मक व चित्रात्मक दोहों में। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा के साथ कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे बड़ोदरा में। शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 1962 ईस्वी में शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। गुलाम शेख को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1983 ईस्वी में गुलाम शेख को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। गुलाम मोहम्मद शेख को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान दिया गया 2002 में गुलाम मोहम्मद शेख को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान दिया गया था। गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2014 में गुलाम मोहम्मद शेख को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1963 ईस्वी में स्थापित ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख जो थे वो 1963 ईस्वी में स्थापित ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे। शेख द्वारा लिखित 1974 ईस्वी में गुजराती कविताओं का संग्रह है अथवा नामक जो संग्रह है वो गुजराती कविताओं का संग्रह है, जो कि गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा लिखा गया था 1974 ईस्वी में। किस कलाकार ने घर जतन शीर्षक से गद्य श्रृंखला लिखी थी? तो ये लिखी थी गुलाम मोहम्मद शेख ने घर जतन शीर्षक से एक गद्य श्रृंखला लिखी थी। कला पत्रिका वृश्चिक 1969 से 1973 ईस्वी का संपादन किसने किया था? ये किया था गुलाम मोहम्मद शेख ने। गुलाम मोहम्मद शेख ने वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किया था 1969 से 1973 ईस्वी के मध्य। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में दिखाई देता है स्वप्न, फतासी और यथार्थ का मिश्रण। स्वप्न, फतासी और यथार्थ का मिश्रण गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में दिखाई देता है। प्रख्यात चित्र बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट तथा शहर बिकाऊ है 1981 से 1984 के मध्य बना हुआ था, किसका है? तो ये है G.M. शेख के। गुलाम मोहम्मद शेख के जो चित्र हैं वो हैं बोलती सड़क व शहर बिकाऊ है। गुलाम मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। गुलाम मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध चित्र शहर बिकाऊ है मैं किस फिल्म को प्रदर्शित होता दिखाया गया है? तो ये फिल्म है सिलसिला। सिलसिला फिल्म को प्रदर्शित होते दिखाया गया है शहर बिकाऊ है चित्र के केंद्र में। शेख ने अपने किस चित्र को
गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था। तो शहर बिकाऊ है नामक चित्र को इन्होंने गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था। अगला आता है आपका चोल मंडल। चोल मंडल की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? तो KCS पनिकर ने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की थी। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1966 ईस्वी में चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर इंज मबक्कम गांव में इसकी स्थापना हुई थी। इंज मबक्कम गांव में चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर 1966 ईस्वी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना हुई थी। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कुल कितने क्षेत्र में फैला है? तो ये 8.5 एकड़ या 34,000 मीटर स्क्वायर में फैला है। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कुल 8.5 एकड़ या कहें 34,000 मीटर स्क्वायर में फैला है। वाटिका कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था चोल मंडल आर्टिस्ट द्वारा। चोल मंडल आर्टिस्टों के द्वारा वाटिका कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। बाटिक कपड़े का निर्यात किस देश को किया जाता था? तो ये किया जाता था इटली को। इटली को बाटिक कपड़े का निर्यात किया जाता था। अगले आपके कलाकार हैं कोवालेज्जी चूरा माथुर शंकर पन्निकर। इन्हें KCS पन्निकर के नाम से जाना जाता है। इनका जीवन काल है 1911 से लेकर 1970 ईस्वी के मध्य। 1911 में इनका जन्म हुआ था, 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। KCS पन्निकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 मई 1911 ईस्वी को तमिलनाडु के कोयंबटूर में इनका जन्म हुआ था। KCS पन्निकर ने कला शिक्षा कहाँ और किससे निर्देशन में प्राप्त की थी? 1936 ईस्वी से 1940 ईस्वी के मध्य गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। KCS पन्निकर चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य कब बने? 1957 ईस्वी में KCS पन्निकर चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य बने थे। KCS पन्निकर ने चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन PPA की स्थापना कब की थी? तो 1944 ईस्वी में KCS पन्निकर ने चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन PPA की स्थापना की थी। चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो KCS पन्निकर ने 1966 ईस्वी में आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था चोल मंडल। भारत में कलाकारों का पहला गांव था चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज था भारत में कलाकारों का पहला गांव। मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम व प्रमुख कलाकार थे KCS पन्निकर। मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम व प्रमुख कलाकार थे KCS पन्निकर। पन्निकर के चित्र पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव था? तो सल्वाडोर डाली का प्रभाव पन्निकर के चित्रों पर दिखाई देता है। किस कलाकार ने अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन किया था? तो KCS पन्निकर ने अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन किया था। भारत के आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार थे KCS पन्निकर। KCS पन्निकर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? 1926 ईस्वी में फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ KCS पन्निकर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। पन्निकर को नेशनल ललित कला अकादमी का फेलो कब प्राप्त हुआ था? 1976 ईस्वी में पन्निकर को नेशनल ललित कला अकादमी का फेलोशिप प्राप्त हुआ था। KCS पन्निकर का देहांत कब हुआ था? 16 जनवरी 1977 ईस्वी को 66 वर्ष की आयु में मद्रास में KCS पन्निकर का देहांत हुआ था। KCS पन्निकर के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं वर्ड्स एंड सिबिल सीरीज, आदम और हब्बा, ईसा बसंत,
जिसका माध्यम है तेल, धन्य है शांति दूत, काली लड़की, पीला चित्र, पतिता तथा ईव इत्यादि चित्र हैं KCS पानीकर के। पर फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड्स एंड सिविल सीरीज, आदम और हब्बा, ईसा, बसंत, इसका माध्यम है तेल, धन्य है शांति दूत, काली लड़की, पीला चित्र, पतित तथा ईव इत्यादि। KCS के जो चित्र थे वो थे वर्ड एंड सिविल सीरीज, आदम और हब्बा, ईसा, बसंत, तेल माध्यम में, धन्य है शांति दूत, काली लड़की, पीला चित्र, पतित तथा ईव इत्यादि चित्र थे KCS पन्नीकर के। अगला चित्रकार आता है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। इनका जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। डॉक्टर श्याम बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद के सिरसा कस्बे में डॉक्टर श्याम बिहारी का जन्म हुआ था। डॉक्टर श्याम बिहारी का जो चित्र है, मेले से वापसी, जल रंग वॉश तकनीकी में ये चित्रित किया गया है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ये डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के द्वारा चित्रित किया गया है। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कला में 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया था। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे? जितेंद्र नाथ मजूमदार के शिष्य थे डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। 4 जनवरी 1968 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अपने कला गुरु जितेंद्र नाथ मजूमदार के स्थान को लेक्चरर के रूप में किसने सुशोभित किया था? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने 4 जनवरी 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अपने कला गुरु जितेंद्र नाथ मजूमदार के स्थान को लेक्चरर के रूप में सुशोभित किया है। किसके प्रयत्नों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के स्थान से लेकर स्नातकोत्तर, BFA एवं MFA तथा शोध कार्य का शुभारंभ हुआ? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के प्रयत्नों से। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के प्रयत्नों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला में स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर, BFA और MFA तथा शोध कार्यों का शुभारंभ हुआ है। भारत में एक्रेलिक वॉश का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने भारत में एक्रेलिक वॉश का आविष्कार किया था। रूप शिल्प कला पत्रिका, जिसके संपादक प्रसिद्ध डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, कहाँ से प्रकाशित होती है? ये प्रकाशित होती है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से रूप शिल्प कला पत्रिका प्रकाशित होती है। इसके संपादक हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। अगले कलाकार हैं ए रामचंद्रन। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अच्युतन रामचंद्रन नायर इनका पूरा नाम है। इनको ए रामचंद्रन के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय चित्रकार हैं। 1935 ईस्वी में केरल के अटिंगल में इनका जन्म हुआ था। ए रामचंद्रन ने कला की शिक्षा कहाँ से व किसके सानिध्य में प्राप्त की? तो 1961 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1965 ईस्वी में ए रामचंद्रन कला शिक्षा में एक विख्याता के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो जामिया मालिया इस्लामिया दिल्ली में इन्हें नियुक्त किया गया था 1965 ईस्वी में विख्याता के रूप में। जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष रहे ए रामचंद्रन। जो थे वो जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में चित्रकला के प्रोफेसर रहे तथा विभागाध्यक्ष रहे। ए रामचंद्रन थे चित्रकार, मूर्तिकार तथा भित्ति चित्रकार। ए रामचंद्रन तीनों रूपों में जाने जाते थे, चित्रकार तथा मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार के रूपों में जाने जाते थे। ए रामचंद्रन का विवाह किसके साथ हुआ? तन युवान चमेली नामक महिला के साथ इनका विवाह हुआ था। ये जो भित्ति चित्र आप देख रहे हैं ये ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका शीर्षक है ययाति श्रृंखला।
वेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में इसको चित्रित किया गया था। एक चित्रकार के रूप में ए रामचंद्रन की वास्तविक ख्याति उनकी किस कृति से हुई? मास्टरपीस म्यूरल ययाति 1986 ईस्वी में जो इन्होंने बनाया था, इसके बाद इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। ययाति विशाल भित्ति चित्र का आकार है, 60 फीट इसकी लंबाई है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। ययाति कृति में कुल कितने मूर्तिशिल्प हैं? तो 13 कुल मूर्तिशिल्प हैं जो सभी कांस्य मूर्तियां हैं। ययाति कलाकृति को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो 1986 ईस्वी में दिल्ली के बेदरा आर्ट गैलरी में उसे प्रदर्शित किया गया। ययाति किससे संबंधित है? तो ययाति संबंधित है महाभारत से। किस कलाकार ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास श्री पेरबुदुर में राजीव गांधी मेमोरियल में ग्रेनाइट बेस रिलीफ 20 फुट ऊंची मूर्ति को 2003 में पूरा किया? तो ये थे ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास श्री पेरबुदुर में राजीव गांधी मेमोरियल में ग्रेनाइट बेस रिलीफ 20 फुट ऊंची मूर्ति को 2003 में पूरा किया। किस कलाकार ने केरल स्थित मंदिरों की मूर्तियों पर व्यापक अध्ययन व लेखन कार्य किया था? तो ये थे ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन ने केरल स्थित मंदिरों की मूर्तियों पर व्यापक अध्ययन किया व लेखन किया। केरल अजंता के भित्ति चित्रों के अलावा ए रामचंद्रन के चित्रों पर मेक्सिको के किन कलाकारों का प्रभाव है? तो ओरोस्को, रिवेरा, सिकेरोस आदि कलाकारों का प्रभाव ए रामचंद्रन के चित्रों पर देखने को मिलता है। ए रामचंद्रन पर किस कलावाद का प्रभाव है? तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव ए रामचंद्रन के चित्रों पर देखने को मिलता है। विशाल कैनवास पर अंकित चित्र काली पूजा 1972 तथा कब्र खोदने वाले 1977 किसका है? तो ये हैं ए रामचंद्रन के। ए रामचंद्रन ने कैनवास पर काली पूजा तथा कब्र खोदने वाले नामक चित्र अंकित किए थे। पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोट के आहत ए रामचंद्रन ने 1975 ईस्वी में किस चित्र श्रृंखला को तैयार किया? तो ये थी रागिनी। रागिनी चित्र श्रृंखला को पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोट से आहत ए रामचंद्रन ने चित्रित किया था। रंगकर्मी तथा कला मर्मज्ञ इब्राहिम अलकाजी के विशेष आग्रह पर उनके लिए किसने भित्ति चित्र बनाए थे? तो ये थे ए रामचंद्रन। किस कलाकार ने राजस्थान की घुमक्कड़ जाति गौड़िया लोहार के स्त्री पुरुषों के अनगिनत स्केच बनाए हैं? तो ये हैं ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन ने राजस्थान की घुमक्कड़ जाति गौड़िया लोहार के स्त्री पुरुषों के अनगिनत स्केच बनाए हैं। युवावस्था में पेशेवर गायक के रूप में कौन सा कलाकार काम कर चुका है? तो ये भी हैं ए रामचंद्रन। ए रामचंद्रन ने युवावस्था में पेशेवर गायक के रूप में कार्य किया है। किसने आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में अपनी प्रतिभा को उजागर किया? ए रामचंद्रन ने आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में अपनी प्रतिभा को उजागर किया था। रामचंद्रन की जापानी गुरु थी फूको अकीनो। फूको अकीनो जो थी वो रामचंद्रन की जापानी गुरु थी। वर्ष 1962 ईस्वी में शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कौन आया था? तो ये आई थी फूको अकीनो। फूको अकीनो जो थी वो जापान की चित्रकार थी जो शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आई थी 1962 में। 2003 में किस कलाकार ने अपने प्रसिद्ध चित्र लोटस पॉन्ड निर्मित किया? ये थे ए रामचंद्रन, जिन्होंने 2003 में अपना प्रसिद्ध चित्र लोटस पॉन्ड निर्मित किया था। अगले कलाकार हैं अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बारानगर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अर्पिता सिंह ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली, पॉलिटेक्निक नई दिल्ली से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अर्पिता सिंह का चित्र है। इसका शीर्षक है वॉचिंग। वॉचिंग शीर्षक का ये जो चित्र है ये अर्पिता सिंह के द्वारा बनाया गया है। 1962 ईस्वी में अर्पिता सिंह का विवाह किसके साथ हुआ? साथी कलाकार परमजीत सिंह के साथ अर्पिता सिंह का विवाह 1962 ईस्वी में हुआ था। अर्पिता की कलाकार बेटी का नाम है अंजुम सिंह।
अंजुम सिंह अर्पिता सिंह की बेटी हैं। कलाकार ग्रुप द अज्ञात के संस्थापक थीं अर्पिता सिंह। द अज्ञात नामक जो कलाकार ग्रुप था उसकी संस्थापक थीं अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह पहली प्रदर्शनी 1972 ईस्वी में रोशन अलकाजी द्वारा कहाँ आयोजित की गई थी? अर्पिता सिंह की जो पहली प्रदर्शनी थी वो 1972 ईस्वी में आयोजित की गई थी रोशन अलकाजी द्वारा। ये आयोजित की गई थी कुनिका चेमोल्ड गैलरी नई दिल्ली में। कुनिका चेमोल्ड गैलरी नई दिल्ली में इनकी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जो इनकी पहली प्रदर्शनी थी 1972 ईस्वी में रोशन अलकाजी द्वारा। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किसने गर्ल्स चाइल्ड विमेन विषय पर चित्रों की एक श्रृंखला चित्रित की? तो ये थी अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह ने 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में गर्ल्स चाइल्ड वुमेन विषय पर चित्रों की एक चित्र श्रृंखला चित्रित की थी। किस कलाकार ने नारी आकृतियों का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया? ये हैं अर्पिता सिंह, जिन्होंने नारी आकृति का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया है। अर्पिता सिंह को भारत का पद्म भूषण सम्मान कब मिला? 2011 में अर्पिता सिंह को भारत का पद्म भूषण सम्मान मिला। अर्पिता सिंह वर्तमान में कहाँ रहती हैं? तो ये रहती हैं निज़ामुद्दीन पूर्व नई दिल्ली में। निज़ामुद्दीन पूर्व नई दिल्ली में अर्पिता सिंह वर्तमान में रहती हैं। अर्पिता के चित्र हैं फतासी। फतासी नामक जो चित्र है वो अर्पिता का है। समकालीन कलाकार में सर्वाधिक चर्चित चितेरियों में से एक हैं तो ये हैं अर्पिता सिंह। समकालीन कलाकारों में सर्वाधिक चर्चित चितेरियों में एक नाम है अर्पिता सिंह का। कुछ समय पहले कोलकाता में किस चित्रकार की पेंटिंग को लेकर काफ़ी शोर हुआ था जिसमें दुर्गा के हाथ में पिस्तौल थी? तो ये थी अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह का एक चित्र था जो कुछ समय पहले काफ़ी चर्चित हुआ था, इसमें दुर्गा के हाथ में एक पिस्तौल थी। नवंबर 2018 में भारत में सुदबी की नीलामी में समकालीन कलाकार अर्पिता सिंह की पेंटिंग मैन स्टैंडिंग कुल कितने रुपए में बिकी? तो ये बिकी थी 1.88 करोड़ में। 1.88 करोड़ में अर्पिता सिंह की एक पेंटिंग सुदबी की नीलामी में बिकी थी 2018 में, जिसका शीर्षक था मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग। अगले कलाकार हैं गणेश पायन। गणेश पायन का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। गणेश पायन का जन्म हुआ था 11 जून 1937 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बंगाल के सबसे उल्लेखनीय समकालीन चित्रकार हैं गणेश पायन। गणेश पायन की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से गणेश पायन की कला की शिक्षा हुई थी। गणेश पायन का प्रिय माध्यम था तो टेम्परा माध्यम जो था वो गणेश पायन का प्रिय माध्यम था। हत्यारा 1979 में चित्रित किया गया चित्र जिसका माध्यम था टेम्परा, किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है गणेश पायन की। गणेश पायन की पेंटिंग जिसका शीर्षक है हत्यारा 1979 ईस्वी में टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया था। किसके चित्रों में कल्पनालोक, परीलोक, स्वप्नलोक आदि दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं गणेश पायन के चित्रों में। अगले कलाकार हैं के लक्ष्मा गौड। इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में। के लक्ष्मा गौड मुख्यतः हैं ग्राफिक चित्रकार। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये के लक्ष्मा गौड के द्वारा चित्रित किया गया है। इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड शीर्षक का ये चित्र है। के लक्ष्मा गौड ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैदराबाद से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म हुआ था निज़ामपुर आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में आता है ये। लक्ष्मा गौड़ को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? तो 2016 में लक्ष्मा गौड़ को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगली कलाकार हैं अंजलि इला मेनन। इनका जन्म हुआ था 17 जुलाई 1940 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बुरनपुर में। पश्चिम बंगाल के बुरनपुर में
17 जुलाई 1940 ईस्वी को अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था। अंजलि इला मेनन ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अंजलि इला मेनन के ऊपर प्रभाव था मोदी ग्लियानी का, एम एफ हुसैन का तथा अमृता शेरगिल के का इनके चित्रों पर प्रभाव देखने को मिलता है। फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर अंजलि इला मेनन ने 1959 से 1961 तक पेरिस के किस कला संस्थान में कला अध्ययन किया था? तो इकोल द बेयोक्स आर्ट में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी 1959 से 1961 ईस्वी के मध्य फ्रांस में। अंजलि इला मेनन का मनपसंद माध्यम था मेन साइट हार्डबोर्ड पर तेल अंजलि इला मेनन का पसंदीदा माध्यम था। अंजलि इला मेनन का विवाह किससे हुआ था? तो राजा मेनन एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे जिनसे इनका विवाह हुआ था। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र अंजलि इला मेनन के द्वारा बनाया गया है। बीमार की देखभाल करती मदर टेरेसा शीर्षक का यह चित्र है। चित्रकार के अलावा म्यूरलिस्ट भी हैं अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन जो हैं वो चित्रकार के अलावा म्यूरलिस्ट भी थीं। वर्ष 2000 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? तो अंजलि इला मेनन को वर्ष 2000 में भारत सरकार के द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का दृश्य कलाओं के लिए अंजलि इला मेनन को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान कब मिला? तो 2018 में मध्य प्रदेश सरकार का दृश्य कलाओं के लिए अंजलि इला मेनन को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था। इंदिरा गुप्ता के अनुसार भारत में 50 प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक हैं अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन जो हैं वो भारत के 50 प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक हैं इंदिरा गुप्ता के अनुसार। अंजलि इला मेनन की नवीन चित्र श्रृंखला का नाम है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस शीर्षक से इन्होंने अपनी नवीन चित्र श्रृंखला को चित्रित किया है। अगले चित्रकार हैं विकास भट्टाचार्य। इनका जीवन काल है 1940 से 2006 ईस्वी के मध्य। विकास भट्टाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 जून 1940 ईस्वी को कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। विकास भट्टाचार्य ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट मैनशिप कोलकाता से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। विकास भट्टाचार्य सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट समकालीन कलाकार संघ के सदस्य कब बने? 1964 ईस्वी में विकास भट्टाचार्य सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट समकालीन कलाकार संघ के सदस्य बने थे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये विकास भट्टाचार्य के द्वारा चित्रित किया गया चित्र है। इसका शीर्षक है गुड़िया श्रृंखला। गुड़िया श्रृंखला का ये चित्र है। विकास भट्टाचार्य के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? 1965 ईस्वी में कोलकाता में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी। विकास भट्टाचार्य की कला को कहा जाता है सुपर रियलिज्म तथा हाइपर रियलिज्म। विकास भट्टाचार्य की कला को सुपर रियलिज्म तथा हाइपर रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। फोटोग्राफिक यथार्थवाद को किसने स्थापित किया था? विकास भट्टाचार्य ने। विकास भट्टाचार्य ने फोटोग्राफिक यथार्थवाद को स्थापित किया था। भारत में अति यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार हैं विकास भट्टाचार्य। अति यथार्थवादी विश्व प्रसिद्ध गुड़िया श्रृंखला के चित्र किसने बनाए हैं? विकास भट्टाचार्य ने अति यथार्थवादी विश्व प्रसिद्ध गुड़िया श्रृंखला के चित्र बनाए हैं। विकास भट्टाचार्य का फोटो यथार्थवाद में बना चित्र है ट्यूबवेल का उद्घाटन। ट्यूबवेल का उद्घाटन विकास भट्टाचार्य का फोटो यथार्थवाद में बना चित्र है। ठाकुर मथुरादास बालिका वधू किसका चित्र है? विकास भट्टाचार्य का। ठाकुर मथुरादास तथा बालिका वधू शीर्षक के जो चित्र हैं वो विकास भट्टाचार्य के द्वारा चित्रित किए गए हैं। विकास भट्टाचार्य की पक्षघात स्ट्रोक के कारण 18 दिसंबर 2006 को कहाँ मृत्यु हो गई?
तो कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई थी 18 दिसंबर 2006 में। इन्हें पक्षघात हुआ था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पक्षघात कहते हैं हार्ट अटैक को, जबकि ये गलत था। पक्षघात हार्ट अटैक को नहीं, पैरालिसिस को कहते हैं। किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि मैम आप पक्षघात हार्ट अटैक को नहीं पैरालिसिस को कहते हैं। ये सही बात है, मैंने गलत आपको बता दिया था। अगर इस तरीके की कोई भी गलती आपको मेरी वीडियो में मिला करे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम यहाँ गलती है तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी गलती मैं ना करूँ और गलत मैं आपको ना पढ़ाऊँ। अगले कलाकार हैं मंजीत बाबा। 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1941 से 2008 के मध्य इनका जीवन काल है। मंजीत बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तीज के दिन 28 जुलाई 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ था? पंजाब के एक कस्बे दुरी में इनका जन्म हुआ था। पंजाब के कस्बे दुरी में मंजीत बाबा का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1941 ईस्वी को। मंजीत बाबा ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये मंजीत बाबा के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका शीर्षक है कृष्ण। मंजीत बाबा ने 1958 से 1963 ईस्वी के बीच कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में किसके सानिध्य में कला अध्ययन किया? सोमनाथ होर, राकेश मेहरा, धनराज भगत तथा बीसी सान्याल के सानिध्य में 1958 से 1963 ईस्वी के मध्य कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ किया? लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में इन्होंने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन किया था। 1964 से 1971 ईस्वी के मध्य किस कलाकार ने ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटर के रूप में कार्य किया? मंजीत बाबा ने 1964 से 1971 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटर के रूप में कार्य किया। मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते हैं? स्वर्गीय जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मंजीत बाबा स्वयं को मानते हैं। किस कलाकार ने नौटंकी में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर की भूमिका निभाई? तो ये थे मंजीत बाबा, जिन्होंने नौटंकी में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर आदि की भूमिका निभाई है। कौन सा कलाकार बांसुरी बजाता था? तो ये थे मंजीत बाबा। मंजीत बाबा बांसुरी बजाया करते थे। किस कलाकार ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया था? तो ये थे मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने शेखर कपूर की जो फिल्म थी बैंडेड क्वीन, इसका पोस्टर बनाया था। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता आदमी का सिल्क स्क्रीन में एक पोस्टर अमिताभ दास तथा रणवीर सिंह कालेका के साथ मिलकर किसने बनाया था? तो ये थे मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने सतह से उठता आदमी सिल्क स्क्रीन पर एक पोस्टर अमिताभ दास तथा रणवीर सिंह कालेका के साथ मिलकर बनाया था। मणिरत्नम की फिल्म दिल से मैं किस कलाकार ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी? तो ये थे मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने मणिरत्नम की फिल्म दिल से मैं आतंकवादियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी। कौन सी अभिनेत्री मंजीत बाबा की आइकन थी? तो ये थी मधुबाला। अगले कलाकार हैं कृष्ण खन्ना। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कृष्ण खन्ना का जन्म सन 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लायलपुर, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कृष्ण खन्ना के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका शीर्षक है बैंड वाला, इसका माध्यम है तेल। कृष्ण खन्ना ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 1938 से 1942 ईस्वी के मध्य इम्पीरियल सर्विसेज कॉलेज लंदन व 1942 से 1944 ईस्वी के मध्य गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। वर्तमान में कृष्ण खन्ना कहाँ रहकर कार्य करते हैं? तो ये दिल्ली के गढ़ी में रहकर कार्य करते हैं। कृष्ण खन्ना ने अपने चित्रों की सर्वप्रथम प्रदर्शनी आयोजित की,
1949 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की थी। कृष्ण खन्ना हैं आकारवादी कलाकार के रूप में कृष्ण खन्ना को जाना जाता है। ट्रक, महाभारत तथा अजनबी चित्र श्रृंखला किसकी हैं? तो ये हैं कृष्ण खन्ना की। ट्रक, महाभारत तथा अजनबी जो चित्र श्रृंखलाएँ हैं ये कृष्ण खन्ना की हैं। कौन से कलाकार वीणा वादक थे? तो कृष्ण खन्ना जो थे वो वीणा वादक थे। तेल रंग से कैनवास पर चित्रित बैंड वाला चित्र के चित्रकार हैं तो ये हैं कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना का चित्र बैंड वाला जो है वो तेल रंग से कैनवास पर चित्रित किया गया है। रागमाला पर आधारित चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो ये थे कृष्ण खन्ना। आधुनिक कलाकारों में से रागमाला पर आधारित चित्रों का निर्माण कृष्ण खन्ना ने किया था। सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समय किस कलाकार ने नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते हुए कुछ शक्तिशाली लोगों का और 1979 ईस्वी में एक कृति में नोटों का हार पहने एवं हाथ जोड़े खड़े हुए एक नेता का चित्रण किया है? तो ये हैं कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश में मुक्ति आंदोलन के समय नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते हुए कुछ शक्तिशाली लोगों का और 1979 ईस्वी में नोटों का हार पहने एवं हाथ जोड़े खड़े हुए एक नेता का चित्रण किया है। श्रुति हरिहर सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित व पिरामल आर्ट फाउंडेशन द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म अफार आफ्टरनून अ पेंटेड सागा बाई कृष्ण खन्ना 2015, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कला संस्कृति फिल्म के लिए 63वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है कृष्ण खन्ना के जीवन पर। कृष्ण खन्ना को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में कृष्ण खन्ना को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण खन्ना को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया? 2011 में कृष्ण खन्ना को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले कलाकार हैं P.N. चोयल। इनका पूरा नाम है परमानंद चोयल। 1924 से 2013 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल है। P.N. चोयल का जन्म कब और कहां हुआ था? 1924 ईस्वी में राजस्थान के कोटा जिले में इनका जन्म हुआ था। P.N. चोयल को कला की आरंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? तो श्री कानूराम शर्मा से इन्हें कला की शिक्षा प्राप्त हुई थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये P.N. चोयल के द्वारा चित्रित किया गया चित्र है। इसका शीर्षक है आदमी और घोड़ा। इसको 1999 ईस्वी में बनाया गया था। इसका माध्यम है तेल चित्र। परमानंद चोयल ने कला शिक्षा प्राप्त किया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर में शैलेंद्रनाथ डे तथा रामगोपाल विजय वर्गी के सानिध्य में। P.N. चोयल ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। भैंसों के कलाकार के संबोधन से प्रसिद्ध कलाकार हैं परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को भैंसों का कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। सन 1960 ईस्वी में भैंसों के चित्रण पर किसे राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान का पुरस्कार मिला? तो ये थे P.N. चोयल, जिन्हें 1960 ईस्वी में भैंसों के चित्रण पर राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान का पुरस्कार मिला था। किस कलाकार के चित्रों पर फ्रांसीसी कलाकार वॉन गोग का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये थे P.N. चोयल, जिनके चित्रों पर फ्रांसीसी कलाकार वॉन गोग का प्रभाव देखने को मिलता है। किसने वॉन गोग के चित्र धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे चित्र बनाया? तो ये थे P.N. चोयल। इन्होंने वॉन गोग के चित्र धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे नामक चित्र बनाया था। परसेप्शन ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने निर्मित किया था? तो ये थे P.N. चोयल। P.N. चोयल ने परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला को चित्रित किया था। वह कलाकार जो एक लेखक व नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध थे? तो ये थे P.N. चोयल, जो एक लेखक तथा नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। सन 1960 ईस्वी में निर्देशित नाटक चलते फिरते बुत के लेखक हैं P.N. चोयल। चलते फिरते बुत नामक नाटक के लेखक हैं P.N. चोयल, जो इन्होंने लिखा था 1960 ईस्वी में।
वॉन गॉग पर आधारित एक नाटक वॉन गॉग शीर्षक से किसने लिखा? पी एन चोयल ने वॉन गॉग पर आधारित वॉन गॉग शीर्षक से एक नाटक लिखा था। पी एन चोयल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 2012 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले कलाकार हैं कृष्ण रेड्डी। 1925 ईस्वी से 2018 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल। अगले कलाकार हैं कृष्ण रेड्डी। इनका जीवन काल है 1925 से लेकर 2018 ईस्वी के मध्य। 1925 में इनका जन्म हुआ था, 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। कृष्ण रेड्डी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 जुलाई 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के चितूर के निकट नंदनूर गांव में। कृष्ण रेड्डी ने 1941 से 1946 ईस्वी के मध्य कला अध्ययन किया। कला भवन शांति निकेतन में नंदलाल बोस व विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने 1941 से 1946 ईस्वी के मध्य कला का अध्ययन किया था। 1949 ईस्वी में लंदन जाने के बाद कृष्ण रेड्डी ने लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स विश्वविद्यालय में किसके साथ मूर्तिकला का अध्ययन किया? तो ये थे हेनरी मूर। 1950 ईस्वी में पेरिस जाने के बाद वहाँ कृष्ण रेड्डी की भेंट किससे हुई थी? तो कॉन्स्टेंटिन ब्रेकुसी से इनकी भेंट हुई थी 1950 ईस्वी में पेरिस जाने के बाद। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कृष्ण रेड्डी के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका शीर्षक है भंवर द वेव। इसका माध्यम है कलर एचिंग। 1963 ईस्वी में इसे बनाया गया था। पेरिस निवास के दौरान कृष्ण रेड्डी ने किन कलाकारों के निर्देशन में मूर्तिकला व उत्कीर्ण कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो क्रमशः ओसिस्प जडकिन व स्टेनली विलियम हेटर के निर्देशन में इन्होंने मूर्तिकला तथा उत्कीर्ण कला की शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण रेड्डी ने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? तो इटेलियर 17 से इन्होंने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो छापाकार, जिसको प्रिंट मेकर भी कहा जाता है, के रूप में कृष्ण रेड्डी प्रसिद्ध थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में छापा चित्रकला के सर्वप्रथम कलाकार हैं कृष्ण रेड्डी। 1957 ईस्वी के लगभग किसने इटैग्लियो प्रिंटिंग की विस्पोसिटी पद्धति को विकसित किया था? तो ये थे कृष्ण रेड्डी। इटैग्लियो प्रिंट मेकिंग का मास्टर माना जाता है कृष्ण रेड्डी को इटैग्लियो प्रिंट मेकिंग का मास्टर माना जाता है। 1965 ईस्वी में हेटर के इटेलियर 17 के सहयोगी निदेशक नियुक्त हुए थे कृष्ण रेड्डी। कृष्ण रेड्डी को 1965 ईस्वी में हेटर के इटेलियर 17 के सहयोगी निदेशक नियुक्त किया गया था। इटेलियर 17 स्टूडियो की स्थापना 1927 ईस्वी में पेरिस में किसने की थी? तो ये थे स्टेनली विलियम हेटर, जिन्होंने इटेलियर 17 स्टूडियो की स्थापना 1927 ईस्वी में की थी। जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, अल्बर्टो गियाकोमेटी, जुआन कार्डेनास, कॉन्स्टेंटिन ब्रेकुसी और जरीना हासमी के लिए अपनी कलाओं के प्रयोग के लिए एक बैठक स्थान रहा। तो ये है इटेलियर 17। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कृष्ण रेड्डी के प्रिंट हैं अमूर्त। कृष्ण रेड्डी के जो प्रिंट हैं वो अमूर्त पाए जाते हैं। कृष्ण रेड्डी छापाकार के अलावा और किस रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो ये छापाकार के अलावा एक मूर्तिकार भी थे। रेड्डी को कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1972 ईस्वी में रेड्डी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्ण रेड्डी किन विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर और विख्याता रहे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट, इंग्लैंड के रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग एंड फाइन आर्ट व यूएसए के टेक्सास विश्वविद्यालय में कृष्ण रेड्डी अतिथि प्रोफेसर और विख्याता रहे। मस्खरे श्रृंखला किस कलाकार की अद्वितीय कृति है? तो कृष्ण रेड्डी की अद्वितीय कृति है मस्खरे श्रृंखला। क्लाउन फार्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन आदि छापा चित्र के निर्माता हैं, इसके निर्माता हैं कृष्ण रेड्डी। कृष्ण रेड्डी जो हैं वो क्लाउन फार्मिंग तथा डिमॉन्स्ट्रेशन आदि छापा चित्रों के निर्माता हैं। छापा चित्रों के लिए कृष्ण रेड्डी ने क्या प्रयोग किया था? तो धातु प्लेट का प्रयोग छापा चित्रों के लिए कृष्ण रेड्डी ने किया। किस छापाकार की गणना विश्व के 33 प्रमुख
प्रिंट मेकर या छापाकारों में की जाती है। तो कृष्ण रेड्डी की जो गणना है वो विश्व के 33 प्रमुख पेंटर या छापा चित्रकारों में की जाती है। कृष्ण रेड्डी का निधन 93 वर्ष की उम्र में कब और कहाँ हो गया था? तो 22 अगस्त 2018 को न्यूयॉर्क यूएसए में कृष्ण रेड्डी का निधन हो गया था। कृष्ण रेड्डी के प्रतिभावान शिष्य हैं इलेन ग्रेबर जो हैं वो कृष्ण रेड्डी के प्रतिभावान शिष्य हैं। इलेन ग्रेबर का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। ये अमेरिकी चित्रकार तथा प्रिंट मेकर हैं। कृष्ण रेड्डी के कलाकार पत्नी का नाम है जूडी ब्लम रेड्डी कृष्ण रेड्डी की कलाकार पत्नी थी। रेड्डी की बेटी का नाम है अपर्णा। अपर्णा कृष्ण रेड्डी की बेटी हैं। किसने कृष्ण रेड्डी पर एक मोनोग्राम प्रकाशित किया था? तो ये थे रिचर्ड बार्थोलोम्यू। इन्होंने कृष्ण रेड्डी पर एक मोनोग्राम प्रकाशित किया था। रिचर्ड बार्थोलोम्यू कौन है? भारतीय कला आलोचक, फोटोग्राफर, चित्रकार, कवि एवं लेखक। अगले कलाकार हैं लक्ष्मण पै। इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। लक्ष्मण पै का जन्म 21 जनवरी 1926 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो गोवा में लक्ष्मण पै का जन्म हुआ था। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्रिंसिपल हैं लक्ष्मण पै। 1943 से 1947 ईस्वी तक लक्ष्मण पै ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने 1943 से 1947 ईस्वी के मध्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1947 में मेयो पदक से सम्मानित कलाकार हैं लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै को 1947 ईस्वी में मेयो पदक से सम्मानित किया गया था। किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला म्यूजिकल मूड 1965 ईस्वी भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है? तो ये हैं लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै की पेंटिंग श्रृंखला म्यूजिकल मूड 1965 ईस्वी में बनी हुई है जो भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है। कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था? तो ये थे लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै सितार तथा बांसुरी भी बजाया करते थे। लक्ष्मण पै को भारत का पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार लक्ष्मण पै को मिला था 1985 ईस्वी में। लक्ष्मण पै को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस कलाकार ने अपने चित्रों में लोक मुहावरों का प्रयोग किया है? तो ये है लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै ने अपने चित्रों में लोक मुहावरों का प्रयोग किया है। लक्ष्मण पै हैं एक नवतांत्रिक कलाकार। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है नवतांत्रिक कलाकार कौन है? तो आप ऑप्शन में लगाएंगे लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै के फेस्टिवल ऑफ सीजन चित्र श्रृंखला पर किसका प्रभाव है? तो नवतांत्रिक कला का प्रभाव लक्ष्मण पै के चित्र श्रृंखला फेस्टिवल ऑफ सीजन पर देखने को मिलता है। अगले कलाकार हैं गुलाम रसूल संतोष। इनका जीवन काल है 1929 ईस्वी से लेकर 1997 ईस्वी के मध्य। गुलाम रसूल संतोष हैं कश्मीरी चित्रकार। कश्मीरी चित्रकार के रूप में गुलाम रसूल संतोष को जाना जाता है। भारत में तांत्रिक कला के जनक जीआर संतोष का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1929 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला, भारत में तांत्रिक कला का जनक कौन है? तो आप लगाएंगे जी आर संतोष का जन्म कहाँ हुआ? श्रीनगर कश्मीर में। जी आर संतोष का जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 1950 ईस्वी में कश्मीरी कलाकारों की प्रगतिशील ग्रुप का संस्थापक कौन था? तो ये थे जी आर संतोष जो थे वो 1950 ईस्वी में कश्मीरी कलाकारों के ग्रुप प्रगतिशील ग्रुप के संस्थापक थे। 1953 ईस्वी में जी आर संतोष के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी श्रीनगर में। 1953 ईस्वी में जी आर संतोष के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो आयोजित की गई थी, ये आयोजित की गई थी श्रीनगर में।
जी आर संतोष के विषय प्रभावित हैं कश्मीरी शैववाद से। किस चित्रकार ने कश्मीरी भाषा में नाटकों, कविताओं व निबंधों को लिखा? तो ये हैं जी आर संतोष। जी आर संतोष ने कश्मीरी भाषा में नाटकों, कविताओं व निबंधों को लिखा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जी आर संतोष के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका शीर्षक है अनटाइटल्ड। इसका माध्यम है एक्रेलिक रंग। उर्दू उपन्यास समुंदर प्यासा है के उपन्यासकार हैं। तो इसके उपन्यासकार हैं जी आर संतोष। जी आर संतोष के द्वारा लिखा गया उपन्यास है समुंदर प्यासा है। जी आर संतोष के प्रमुख चित्र हैं मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, अनटाइटल्ड, इंदिरा गांधी का सबीह तथा रूप अग्नि। जी आर संतोष की नवतांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण है बिंदु व रेखा त्रिकोण। बिंदु व रेखा त्रिकोण जी आर संतोष की नवतांत्रिक चित्रकला में महत्वपूर्ण है। जी आर संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से कब अलंकृत किया गया? तो 1977 ईस्वी में जी आर संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। जी आर संतोष का निधन कब हो गया? 10 मार्च 1977 ईस्वी को दिल्ली में जी आर संतोष का निधन हो गया था। अगले कलाकार हैं भूपेन खक्कर। इनका जीवन काल है 1934 से 2003 ईस्वी के मध्य। भूपेन खक्कर का जन्म हुआ था 10 मार्च 1934 ईस्वी को मुंबई में। भारतीय समकालीन कला के अग्रणी कलाकार थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय से भूपेन खक्कर ने कला की शिक्षा प्राप्त की। 1963 ईस्वी में भूपेन खक्कर की भेंट बड़ौदा में किस अंग्रेज पॉप चित्रकार से हुई? तो ये चित्रकार थे जिम डोनाबेन। जिम डोनाबेन से इनकी भेंट हुई थी 1963 ईस्वी में बड़ौदा में। भारत में आधुनिक पॉप कला के जनक हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर जो हैं वो भारत में आधुनिक पॉप कला के जनक माने जाते हैं। किसने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों व कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में किया? तो ये थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों में कैलेंडरों का प्रयोग किया था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये चित्र भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया है। इसका शीर्षक है सबको आप खुश नहीं रख सकते। ये 1983 ईस्वी में कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया था। खक्कर के काम की तुलना किससे की जाती है? तो डेविड हाकनी से खक्कर के काम की तुलना की जाती है। कौन सा कलाकार समलैंगिक था? तो भूपेन खक्कर समलैंगिक थे। किस कलाकार ने समलैंगिकता को कला का विषय बनाया? तो ये थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने समलैंगिकता को कला का विषय बनाया था। किस चित्रकार ने समलैंगिकता पर चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी? तो ये थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने समलैंगिकता पर चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी। भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई? 1965 ईस्वी में मुंबई में भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी। भूपेन खक्कर के प्रमुख चित्र हैं तुम सबको खुश नहीं रख सकते, जनता वॉच रिपेयरिंग 1972, यू कांट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल नियर रेड फोर्ट 1972, जलेबी खाता हुआ आदमी, गोवा के मछुआरे, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी 1976, गुरु जयंती उत्सव 1980, मस्जिद के आसपास मुसलमान 2001। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुम सबको खुश नहीं रह सकते, जनता वॉच रिपेयरिंग, यू कांट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल नियर रेड फोर्ट, जलेबी खाता हुआ आदमी, गोवा के मछुआरे, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी, गुरु जयंती उत्सव, मस्जिद के आसपास मुसलमान। किस चित्रकार ने ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई थी? तो ये थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई थी। किस चित्र में भूपेन खक्कर ने स्वयं को भी चित्रित किया है? तो ये है दुर्जनों की गैलरी। इसको 1993 ईस्वी में चित्रित किया गया था। किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये थे भूपेन खक्कर। अगले कलाकार हैं ज्योति भट्ट। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। ज्योति भट्ट का वास्तविक नाम है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसका शीर्षक है
स्वयं एक कलाकार के रूप में। ज्योति भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में ज्योति भट्ट का जन्म हुआ था। ज्योति भट्ट ने चित्रकला में पोस्ट डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो MSU बड़ोदरा, NS बेंद्रे तथा KG सुब्रमण्यम के निर्देशन में ज्योति भट्ट ने कला में पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था। ज्योति भट्ट ने फ्रेस्को भित्ति चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया था? तो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से इन्होंने फ्रेस्को भित्ति चित्रकला में अध्ययन किया था। 1960 में छात्रवृत्ति मिलने पर ज्योति भट्ट ग्राफिक कला में अध्ययन करने के लिए अकादमिया डी बेले आर्टी नेपल्स इटली गए थे। अकादमिया डी बेले आर्टी नेपल्स इटली 1960 में छात्रवृत्ति मिलने पर ज्योति भट्ट ग्राफिक कला में उच्च अध्ययन के लिए गए थे। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के अंतर्गत ज्योति भट्ट ग्राफिक कला में अध्ययन करने कहाँ गए थे? तो प्रेट इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क। ज्योति भट्ट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के अंतर्गत गए थे। ज्योति भट्ट ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में प्रेट इंस्टीट्यूट में किस विधा का अध्ययन किया था? तो इटेग्लियो विधा का अध्ययन ज्योति भट्ट ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में प्रेट इंस्टीट्यूट में किया था। ज्योति भट्ट मुख्य रूप से प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। ज्योति भट्ट ने किस माध्यम में कला सृजन किया? तो एचिंग, इटेग्लियो, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, म्यूरल आदि माध्यम में ज्योति भट्ट ने कला सृजन किया। वर्तमान में ज्योति भट्ट कहाँ रहकर सृजनरत हैं? बड़ोदरा रहकर वर्तमान में ज्योति भट्ट सृजनरत हैं। बड़ोदरा में किसने छाप नामक कला ग्रुप की स्थापना की? तो ये हैं ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट ने बड़ोदरा में छाप नामक कला ग्रुप की स्थापना की। ग्राफिक कला से संबंधित छाप ग्रुप ने किस दिशा में कार्य किए? तो छाप ग्रुप ने इको फ्रेंडली प्रिंट्स दिशा में कार्य किए थे। किस वरिष्ठ प्रिंट मेकर ने फोटोग्राफी को भी प्रिंट मेकिंग की तरह एक माध्यम माना था? तो ज्योति भट्ट ने फोटोग्राफी को भी प्रिंट मेकिंग की तरह एक माध्यम माना है। किस विख्यात प्रिंट मेकर को वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो ये हैं ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट को 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले कलाकार हैं विवान सुंदरम। इनका जन्म हुआ था 1943 में। विवान सुंदरम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1943 में शिमला में इनका जन्म हुआ था। विवान सुंदरम ने ललित कला में स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा से विवान सुंदरम ने ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये विवान सुंदरम के द्वारा चित्रित किया गया चित्र है। इसका शीर्षक है इमरजेंसी रेखांकन। 1992 में इसे बनाया गया है। समसामायिक कलाकार विवान सुंदरम के पिता कौन हैं? कल्याण सुंदरम समसामायिक कलाकार विवान सुंदरम के पिता हैं। 1965 से 1971 तक भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष रहे थे। विवान सुंदरम की माता थी इंदिरा शेरगिल। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा शेरगिल विवान सुंदरम की माता थी। विवान सुंदरम का विवाह किससे हुआ? विख्यात कला इतिहासकार व आलोचक गीता कपूर से विवान सुंदरम का विवाह हुआ। प्रथम भारतीय कलाकार जिन्होंने इंस्टॉलेशन स्थापना कला की शुरुआत की तो ये हैं विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ने इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत की थी। विवान सुंदरम के इंस्टॉलेशन वीडियो कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? तो दादावाद व अति यथार्थवाद का प्रभाव विवान सुंदरम के इंस्टॉलेशन वीडियो दर्शाते हैं। विवान सुंदरम ने किन किन माध्यमों में काम किया? प्रिंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, वीडियो कला आदि माध्यम में विवान सुंदरम ने कार्य किया। सन 1970 में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार किसने की? तो ये की थी विवान सुंदरम ने। विवान सुंदरम ने 1970 में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की थी। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य व न्यासी थे विवान सुंदरम। विवान सुंदरम सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य व न्यासी थे। सन 1976 में किसने कासौली कला संस्था को संगठित किया? तो ये थे विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ने 1976 में कासौली कला संस्था को संगठित किया। रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल। शेरगिल परिवार की अभिलेखीय तस्वीर के आधार पर ब्लैक एंड वाइट डिजिटल फोटो मोटेज श्रृंखला किसने तैयार की? तो ये हैं विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ने
रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल, शेरगिल परिवार की अभिलेखीय तस्वीरों के आधार पर ब्लैक एंड वाइट डिजिटल फोटोमोटोज श्रृंखला तैयार की। जुलाई सितंबर 1972 ईस्वी में पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिचू के शिखर को आधार बनाकर किसने स्याही रेखांकन की एक श्रृंखला प्रदर्शित की, तो ये है विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ने जुलाई सितंबर 1972 ईस्वी में पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता माचू पिचू के शिखर को आधार बनाकर स्याही रेखांकन की एक श्रृंखला प्रदर्शित की। डिस्क्रीट चार्म ऑफ द बुर्जुआजी मध्य वर्ग का चतुर इंद्रजाल महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी किसकी थी, तो ये थी विवान सुंदरम की। 1981 ईस्वी में प्लेस ऑफ फॉर पीपल प्रदर्शनी थी विवान सुंदरम की, और 1984 ईस्वी में प्रदर्शित प्रदर्शनी जिसका शीर्षक था साइंस ऑफ फायर विवान सुंदरम ने प्रदर्शित की थी। इनकी तीनों प्रदर्शनी जो हैं इनके शीर्षक महत्वपूर्ण हैं। पहली प्रदर्शनी जो इन्होंने प्रदर्शित की थी उसका शीर्षक था डिस्क्रीट चार्म ऑफ द बुर्जुआजी, दूसरी प्रदर्शनी का शीर्षक था प्लेस फॉर पीपल, और तीसरी प्रदर्शनी जो 1984 ईस्वी में आयोजित हुई थी उसका शीर्षक था साइंस ऑफ फायर। विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो प्रतिस्थापन के लिए विवान सुंदरम प्रसिद्ध हैं। कोलकाता में प्रसिद्ध विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रतिस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था, तो ये बनाया था विवान सुंदरम ने। विवान सुंदरम की एक कृति टच ऑफ ब्राइटनेस 1966 ईस्वी को किस चित्रकार ने 250 रुपये में खरीदा था, तो राम कुमार ने विवान सुंदरम की एक कृति टच ऑफ ब्राइटनेस को 1966 ईस्वी में जो इन्होंने बनाई थी उसको 250 रुपये में खरीदा था। वर्तमान में विवान सुंदरम कहाँ रहते हैं, तो नई दिल्ली में विवान सुंदरम वर्तमान में रहते हैं। अगले चित्रकार हैं चिंतामणि कर। चिंतामणि कर का जीवन काल है 1915 से 2005 ईस्वी के मध्य। चिंतामणि कर कौन है, तो ये है मूर्तिकार। मूर्तिकार के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। चिंतामणि कर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 19 अप्रैल 1915 ईस्वी को खड़गपुर पश्चिम बंगाल में चिंतामणि कर का जन्म हुआ था। ये जो मूर्ति शिल्प आप देख रहे हैं ये चिंतामणि कर की मूर्ति शिल्प है, इसका टाइटल है अनटाइटल्ड। चिंतामणि कर का विवाह किससे हुआ था, अमीना कर नामक महिला से चिंतामणि कर का विवाह हुआ था। चिंतामणि कर ने पेंटिंग व मूर्ति शिल्पों का अध्ययन किस कला संस्थान से किया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से चिंतामणि कर ने पेंटिंग व मूर्ति शिल्प का अध्ययन किया था। चिंतामणि कर ने मूर्ति शिल्प की शिक्षा किससे प्राप्त की, तो गिरधारी महापात्रा तथा विक्टर जियोवानेल्ली से इन्होंने मूर्ति शिल्प की शिक्षा प्राप्त की थी। गिरधारी महापात्रा कौन थे, उड़ीसा के परंपरागत मूर्तिकार, उड़ीसा के परंपरागत मूर्तिकार थे गिरधारी महापात्रा। वर्ष 1938 ईस्वी में चिंतामणि कर मूर्ति कला में उच्च शिक्षा लेने कहाँ गए, एकेडमी ए ला ग्रांडे चौमीरे पेरिस। एकेडमी ए ला ग्रांडे चौमीरे पेरिस 1938 ईस्वी में चिंतामणि कर ने मूर्ति कला में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। चिंतामणि कर मूर्तिकार के साथ साथ और किस विधा में पारंगत थे, तो चित्रकार भी थे चिंतामणि कर। चिंतामणि कर ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो चितेंद्र नाथ मजूमदार से चिंतामणि कर ने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। चिंतामणि कर ने अपने मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था अमूर्त शैली में। चिंतामणि कर का माध्यम था धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व कास्ट। धातु, टेराकोटा, प्लास्टर व कास्ट चिंतामणि का माध्यम था। 1956 से 1973 के बीच चिंतामणि कर प्रधानाचार्य रहे कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। चिंतामणि कर द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर व इंडियन मेटल स्कल्पचर। किस मूर्तिकार के शिष्यों पर द ग्राबेन इमेज, द स्कल्पचर स्पीक्स नामक दो लघु फिल्म बनी है, तो ये हैं चिंतामणि कर। चिंतामणि कर के शिल्पों पर द ग्राबेन इमेज, द स्कल्पचर स्पीक्स नामक दो लघु फिल्में बनी हैं। 1946 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश मूर्तिकारों में रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने चिंतामणि कर। चिंतामणि कर 1946 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश मूर्तिकारों की रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने थे।
किस मूर्तिकार को 1974 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चिंतामणिकर को 1974 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था चिंतामणिकर को। चिंतामणिकर को वर्ष 2000 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। कोलकाता में स्थित चिंतामणिकर की पक्षी अभयारण्य का नामकरण किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के नाम पर हुआ है? तो ये हुआ है चिंतामणिकर। वर्ष 1948 ईस्वी में ब्रिटेन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में खेल कला प्रतियोगिता में चिंतामणिकर ने अपनी किस कृति के लिए रजत पदक जीता था? द स्टैग जो कांस्य में निर्मित है। 1948 में ब्रिटेन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल कला प्रतियोगिता में चिंतामणिकर ने रजत पदक जीता था। चिंतामणिकर की मृत्यु हुई थी 3 अक्टूबर 2005 को 90 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में एक निजी अस्पताल में चिंतामणिकर की मृत्यु हो गई थी। चिंतामणिकर के प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प हैं स्केटिंग व स्टैग जो कांस्य में निर्मित है, ऊषा व सबितार जो टेराकोटा में निर्मित है, बैठी हुई नारी आकृति ये भी टेराकोटा में निर्मित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्केटिंग व स्टैग, ऊषा व सबितार, बैठी हुई नारी आकृति, ये चिंतामणिकर के प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प हैं। अगले कलाकार हैं शंखो चौधरी। इनका जीवन काल है 1916 से लेकर 2005 ईस्वी के मध्य। शंखो चौधरी कौन थे? तो शंखो चौधरी थे एक मूर्तिकार। शंखो चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 25 फरवरी में 1916 ईस्वी में संथाल परगना में बिहार में इनका जन्म हुआ था। शंखो चौधरी ने 1939 ईस्वी में कला में बीए कहाँ से किया? शांति निकेतन वीरभूमि से इन्होंने 1939 ईस्वी में कला में बीए किया था। शंखो चौधरी के गुरु थे रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज जो थे वो शंखो चौधरी के गुरु थे। वर्ष 1945 ईस्वी में रामकिंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए नेपाल गए थे शंखो चौधरी। शंखो चौधरी जो थे वो युद्ध स्मारक जो था प्रतिमा जो थी रामकिंकर बैज की उसके लिए 1945 ईस्वी में उनकी सहायता के लिए नेपाल गए थे। सन 1980 ईस्वी में तंजानिया के दार एस सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए शंखो चौधरी। शंखो चौधरी 1980 ईस्वी में तंजानिया के दार एस सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। शंखो चौधरी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1971 ईस्वी में शंखो चौधरी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शंखो चौधरी का माध्यम है प्रस्तर, लकड़ी, धातु, पत्र, कास्ट, मेटल और सीमेंट। प्रस्तर, लकड़ी, धातु, पत्र, कास्ट और मेटल आदि जो माध्यम है वो शंखो चौधरी के माध्यम है। अगले कलाकार हैं सोमनाथ होर। इनका जीवन काल है 1921 से लेकर 2006 ईस्वी के मध्य। सोमनाथ होर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ग्राफिक कलाकार के रूप में सोमनाथ होर प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी में चिटगांव बांग्लादेश में सोमनाथ होर का जन्म हुआ था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया चित्र है। बहुत ही फेमस ये चित्र है। इसका शीर्षक है जख्म। आपसे कई बार पूछ लेता है जख्म शीर्षक का जो चित्र है वो किसका है, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे सोमनाथ होर। सोमनाथ होर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से सोमनाथ होर ने कला में डिप्लोमा किया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ग्राफिक विभागाध्यक्ष तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे सोमनाथ होर। सोमनाथ होर थे प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, चित्रकार व म्यूरलिस्ट, ये सभी थे सोमनाथ होर। सोमनाथ होर किस रूप में अधिक पहचाने गए थे? तो छापाकार के रूप में अधिक पहचाने गए थे सोमनाथ होर। किसने लास्ट वैक्स प्रासेस के माध्यम से वियतनाम के व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशा है? तो ये है सोमनाथ होर। सोमनाथ होर ने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम के व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशा है। मई 1974 से अक्टूबर 1977 ईस्वी तक सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम के चिर स्थायी बनने के इरादे से जिस एक बड़े कांस्य मूर्ति शिल्प की रचना की उसका शीर्षक था माँ और बच्चा। माँ और बच्चा शीर्षक का जो इनका मूर्ति शिल्प है वो कांस्य में बना हुआ है। 1974 से लेकर अक्टूबर 1977 तक
सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम को चिर स्थायी बनाने के इरादे से इसका निर्माण किया था। जिंदगी के जख्मों के कलाकार थे सोमनाथ होर। मैं तस्वीरें नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ, सोमनाथ होर का कथन है। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला के प्रिंट किसने तैयार किए? सोमनाथ होर ने सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला के प्रिंट तैयार किए थे। मिथुन 1976, कलाकृति किसकी है? सोमनाथ होर की। 1985 का कुत्ता एक अद्भुत मूर्तिशिल्प है जो कि सोमनाथ होर ने बनाया था। सोमनाथ होर की अन्य प्रमुख कलाकृतियां हैं फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, इसका माध्यम है लीनोकट, 1956 ईस्वी में बनाया गया था। ग्रुप मीटिंग, इसका माध्यम है वुड एंग्रेविंग, 1953 ईस्वी में बनाया गया था। माँ बच्चा कास्ट चित्र, 1956 ईस्वी में बनाया गया था। पीठ कास्ट चित्र, 1973 ईस्वी में बनाया गया था। भूख लिथोग्राफ, 1977 ईस्वी में बनाया गया था। चीख कांस्य मूर्तिशिल्प, 1985 ईस्वी में बनाया गया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ग्रुप मीटिंग, माँ बच्चा, पीठ, भूख, चीख आदि मूर्तिशिल्प इनके हैं। अगले कलाकार हैं मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी में। 1923 से 1998 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल है। मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार के रूप में। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1923 ईस्वी में कोलकाता में मीरा मुखर्जी का जन्म हुआ था। मीरा मुखर्जी के अभिभावक थे द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी तथा बीना पानी देवी। ये जो मूर्ति शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं, ये मीरा मुखर्जी के द्वारा बनाया गया शिल्प है। इसका शीर्षक है बांसुरी बजाने वाला। वर्ष 1941 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त किया मीरा मुखर्जी ने 1941 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त किया। 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? दिल्ली पॉलीटेक्निक से 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक तथा मूर्ति कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इन्फेंडी, जो राज्य की मेहमान थी, से कला में प्रशिक्षण लिया मीरा मुखर्जी ने शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इन्फेंडी से कला में प्रशिक्षण लिया। सन 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिक जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्ति कला में शिक्षा प्राप्त की? तो टोनी स्टेडलर और हेनरिक क्रिचनर से इन्होंने 1953 ईस्वी में जर्मनी में शिक्षा प्राप्त की थी। किसने बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो ये थी मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने बस्तर छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से ढोकरा कास्टिंग में प्रशिक्षण लिया था। ढोकरा कास्टिंग है अलोह धातु को ढालने का लास्ट वैक्स तकनीक। ढोकरा तकनीक कितने वर्ष पुरानी है? तो 4000 वर्ष पुरानी है ढोकरा तकनीक। सबसे आरंभिक ज्ञात ढोकरा लास्ट वैक्स तकनीक से निर्मित कलाकृति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्य की जो है वो सबसे आरंभिक ज्ञात ढोकरा लास्ट वैक्स तकनीकी से निर्मित कलाकृति है। ढोकरा कला किस क्षेत्र की है? बस्तर छत्तीसगढ़ की कला है ढोकरा कला। ढोकरा कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो घड़वा कला के नाम से जाना जाता है ढोकरा कला को। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1992 ईस्वी में मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मीरा मुखर्जी के प्रमुख मूर्तिशिल्प हैं कलिंगा में अशोक 1972 ईस्वी, मिनी बस 1989 ईस्वी, दुर्गा 1997 ईस्वी, सृष्टि 1970 ईस्वी, माँ व बच्चा 1971 ईस्वी, अर्थ टू हेवन 1978 ईस्वी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कलिंग में अशोक, मिनी बस, दुर्गा, सृष्टि, माँ व बच्चा, अर्थ टू हेवन, ये सभी जो मूर्तिशिल्प हैं वो मीरा मुखर्जी के मूर्तिशिल्प हैं। अगले कलाकार हैं महेंद्र पांड्या। महेंद्र पांड्या का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। महेंद्र पांड्या ने मूर्ति कला में का अध्ययन कहाँ से किया था? तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से
महेंद्र पांड्या ने मूर्तिकला में अध्ययन किया था। ये जो आप शिल्प देख रहे हैं ये महेंद्र पांड्या का शिल्प है। इसका शीर्षक है पर्यावरण, पर्यावरण शीर्षक का ये शिल्प है। महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में। महेंद्र पांड्या जो हैं वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। महेंद्र पांड्या माध्यम के रूप में किसका चुनाव करते हैं? तो संगमरमर व लकड़ी का चुनाव महेंद्र पांड्या माध्यम के रूप में करते हैं। महेंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर अवाक्ष प्रतिमाओं का निर्माण किया था? तो रोडेन से प्रभावित होकर महेंद्र पांड्या ने अवाक्ष प्रतिमाओं का निर्माण किया था। लकड़ी व संगमरमर में बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला किसकी है? तो ये है महेंद्र पांड्या की। महेंद्र पांड्या की जो मूर्ति शिल्प है बालकनी, वो संगमरमर व लकड़ी में बनी हुई है। अगले कलाकार हैं राघव कनेरिया। इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में। राघव कनेरिया कौन है? तो राघव कनेरिया हैं एक मूर्तिकार। कौन से मूर्तिकार अपने मूर्ति शिल्पों को मिट्टी, टेराकोटा, लकड़ी, धातु व मटके के टुकड़ों से बनाते थे? तो ये थे राघव कनेरिया। राघव कनेरिया अपने मूर्ति शिल्पों को मिट्टी, टेराकोटा, लकड़ी, धातु व मटके के टुकड़ों से बनाते थे। ये जो मूर्ति शिल्प आप देख रहे हैं ये राघव कनेरिया का मूर्ति शिल्प है। ककोल मारता बछड़ा जो कि कांस्य माध्यम में निर्मित है। राघव कनेरिया पर प्रभाव था मारिनी, मारिनो, हेनरी मूर तथा अमरावती के शिल्पों का। मारिनी, मारिनो, हेनरी मूर तथा अमरावती के शिल्पों का प्रभाव राघव कनेरिया के मूर्ति शिल्पों पर देखने को मिलता है। राघव कनेरिया का जन्म हुआ था गुजरात में। गुजरात में राघव कनेरिया का जन्म हुआ था। राघव कनेरिया ने मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? तो MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से राघव कनेरिया ने मूर्ति कला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। राघव कनेरिया कहाँ रहकर कला सृजन करते थे? तो बड़ोदरा रहकर राघव कनेरिया ने कला सृजन किया था। राघव कनेरिया की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प सांड किस माध्यम में है? टेराकोटा। राघव कनेरिया की जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है सांड, वो टेराकोटा माध्यम में बनी है। अगले कलाकार हैं नागजी पटेल। नागजी पटेल का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 2017 ईस्वी में। नागजी पटेल हैं एक मूर्तिकार। नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग है कार्विंग अर्थात उत्कीर्णन। नागजी पटेल का माध्यम है प्रस्तर, संगमरमर, ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन। नागजी पटेल ने मूर्तिकला में MFA कहाँ से किया? तो MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से नागजी पटेल ने मूर्तिकला में MFA किया था। नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में किसके निर्देशन में सीखी थी? तो ये थे वी गणपति स्थपति के निर्देशन में नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में सीखी थी। वी गणपति स्थपति कौन थे? तमिलनाडु के वास्तुकार, मंदिर निर्माता, मूर्तिकार व लेखक थे वी गणपति स्थपति। ये जो शिल्प आप यहाँ देख रहे हैं ये नागजी पटेल के द्वारा बनाया गया है। इसका शीर्षक है सर्प। इसका माध्यम है ग्रेनाइट। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित के स्थापत्यकार हैं वी गणपति स्थपति। जोधपुर में सैंडस्टोन में बनी मूर्ति वटवृक्ष किस मूर्तिकार की श्रेष्ठ रचना है? तो ये है नागजी पटेल की। नागजी पटेल का निधन कब हो गया? 17 दिसंबर 1917 ईस्वी को नागजी पटेल का निधन हो गया था। अगले कलाकार हैं मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जीवन काल है 1949 से लेकर 2015 ईस्वी के मध्य। मृणालिनी मुखर्जी कौन है? तो मृणालिनी मुखर्जी हैं मूर्तिकार। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1949 ईस्वी में मुंबई में मृणालिनी मुखर्जी का जन्म हुआ था। मृणालिनी किस विश्वविद्यालय से पेंटिंग में स्नातक किया? मृणालिनी ने बड़ोदरा विश्वविद्यालय से पेंटिंग में स्नातक किया था। सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी हैं मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी की माँ लीला मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार के रूप में। बड़ोदरा में मृणालिनी मुखर्जी ने किसकी देखरेख में कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो KG सुब्रमण्यम की देखरेख में मृणालिनी मुखर्जी ने बड़ोदरा में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। मृणालिनी अपने शिल्पों में किसका उपयोग करती हैं? जूट की रस्सी, सुतली, वडोरी आदि का प्रयोग मृणालिनी अपने शिल्पों में करती हैं। वंश्री, वाहन, वोमेन ऑन पिकॉक किसके द्वारा निर्मित शिल्प हैं? तो ये हैं मृणालिनी मुखर्जी के।
मृणालिनी मुखर्जी के जो शिल्प हैं वो हैं वंश्री, वाहन, वोमेन ऑन पिकॉक। मृणालिनी मुखर्जी का निधन हो गया 21 फरवरी 2015 को, नई दिल्ली में मृणालिनी मुखर्जी का निधन हो गया था। अगले आपके कलाकार हैं रामवी सुतार। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। रामवी सुतार किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रामवी सुतार मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामवी सुतार का पूरा नाम है राम वंजी सुतार। राम वंजी सुतार रामवी सुतार का पूरा नाम है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इसका शीर्षक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये रामवीर सुतार के द्वारा बनाई गई है। रामवीर सुतार का जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1925 ईस्वी को रामवीर सुतार का जन्म हुआ था। राम सुतार का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में धुलिया जिले के गोंदूर नामक ग्राम में। महाराष्ट्र में धुलिया जिले के गोंदूर नामक ग्राम में राम सुतार का जन्म हुआ था। राम सुतार के पिता कौन थे? वंजी हंसराज, जाति व कर्म से बढ़ई। जाति व कर्म से बढ़ई थे वंजी हंसराज राम सुतार के पिता थे। 1952 ईस्वी में राम सुतार का विवाह किसके साथ हुआ? प्रमिला, प्रमिला नामक महिला के साथ राम सुतार का विवाह हुआ था 1952 ईस्वी में। राम सुतार के एकमात्र पुत्र हैं अनिल सुतार। अनिल सुतार हैं एक मूर्तिकार। नोएडा स्थित अपने पिता के स्टूडियो व कार्यशाला की देखरेख व मूर्ति शिल्प निर्माण का कार्य करते हैं अनिल सुतार। अपने गुरु रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेकर राम सुतार ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेकर राम सुतार ने मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी। राम सुतार का पहला उल्लेखनीय कार्य है मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर स्थित 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति। 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति जो गंगा सागर बांध पर स्थित है राम सुतार के द्वारा बनाई गई थी। अमृतसर में 21 फीट ऊंची महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो राम सुतार ने 21 फीट ऊंची महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति का निर्माण किया था अमृतसर में। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के मूर्तिकार हैं राम सुतार। राम सुतार ने संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी। राम सुतार के मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय रहा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राम सुतार के मूर्ति शिल्पों का प्रमुख विषय रहा था। गांधीनगर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था राम सुतार ने। राम सुतार ने गांधीनगर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया था। 182 मीटर 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया? रामवीर सुतार ने। रामवीर सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है का निर्माण किया था। 182 मीटर ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ था 70,000 टन सीमेंट से। 70,000 टन सीमेंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ था। 22,500 टन स्टील व 1,700 मैट्रिक टन तांबा। 22,500 टन स्टील, 1,000 मैट्रिक टन तांबा और 70,000 टन सीमेंट इसमें लगी थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा कहाँ बनी है? गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है वो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया डैम में बनी है। राम सुतार को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1999 ईस्वी में राम सुतार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवीर सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2016 में मूर्तिकार रामवीर सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सुप्रसिद्ध मूर्तिकार को 2016 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ये थे रामवीर सुतार। रामवीर सुतार को 2016 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।